हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रूट इंडिया में। और आज हम आपको लेके चलते हैं गुलाबी शहर, जिसको हम बोलते हैं जयपुर। तो आज हम आपको बताएंगे कि जयपुर को गुलाबी शहर और पिंक सिटी क्यों बोला जाता है, आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको लेना चाहिए, उसके अलावा वो कौन सी जगह आपको चूज करनी चाहिए यदि आप बजट ट्रैवलर हैं ठहरने के लिए। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं, जयपुर जो है नॉर्थ इंडिया में विजिट किया जाने वाला फॉरनर्स के द्वारा नंबर वन जगह है। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में और अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक शहर क्यों बोला जाता है। तो जब यहाँ के राजा ने जब इन्वाइट किया राजकुमार को वेस जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, जब वो यहाँ पर आए तो उनके स्वागत में यहाँ की जो दीवारें थी वो पुतवा दी गई थी गुलाबी कलर से। जब वो यहाँ पर आए, यहाँ से जाने के बाद ये जो कलर है वो यहाँ का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया। और आज यहाँ पर एक ऐसा नियम है कि यहाँ पर जो पुराना शहर है जो कि राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था, यहाँ पर कोई भी आदमी जो है दूसरे कलर से बाहर की आउटसाइड वॉल नहीं पेंट करवा सकता। तो आज जो है इसीलिए इस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो जयपुर शहर है ये 1727 ईस्वी में इसको राजधानी बनाया गया था राजा जय सिंह के द्वारा। इससे पहले जो हमारी राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी आमेर फोर्ट। अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, तो यहाँ पर पहुँचने के आपके पास कई सारे साधन हैं। पहला तो साधन है यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे आप पहुँच सकते हैं। उसके अलावा बाय ट्रेन पहुँच सकते हैं, बाय बस पहुँच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से ये जो शहर है वो कनेक्टेड है। ये राजस्थान की कैपिटल सिटी भी है, तो ये अच्छे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है सारे पार्ट से इंडिया के। यहाँ पर पहुँचने के बाद यदि आप एक बजट ट्रैवलर हैं और बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको कहाँ पर ठहरना चाहिए, तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह है आप बनी पार्क चले जाइए। बनी पार्क जो कि सिचुएटेड है और स्थित है रेलवे स्टेशन से बहुत नज़दीक, तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर आपको बहुत सारे बजट होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप इजीली 500 से 600 रुपए में आपको इजीली एक कमरा मिल जाएगा। और यदि आप बजट ट्रैवलर नहीं है तो आप कोई भी लोकेशन को चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनको विजिट करने के लिए कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज करें जो कि इकोनॉमिकल हो, सस्ता हो। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ओला उबर टैक्सी सारी चीजें अवेलेबल हैं। बट यदि आप सस्ते में घूमना चाहते हैं इन सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन को, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी लोकल बसेस भी। लोकल बसेस से आप इस शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ के जो टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं आप उनके बारे में चलिए आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आमेर फोर्ट की, जो कि स्थित है जो जयपुर का पुराना शहर है, वहाँ से 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पर कब आपको जाना चाहिए उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे अच्छा समय जो है यहाँ पर जाने का वो मॉर्निंग के टाइम है। यदि आप वहाँ पर एलिफेंट राइड या हाथी सवारी करना चाहते हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी सुबह के समय 11 बजे तक। 11 बजे के बाद वो राइड बंद हो जाती है। यदि आप वो राइड नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी समय जा सकते हैं। उसके बाद जब आप इस फोर्ट के अंदर एंटर करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है। यहाँ का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत जगह है जिसको हम बोल सकते हैं USP जो है, यहाँ का शीश महल है जिसको पूरा एक शीशे से बनाया गया है। और ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसी जगह थी कि जहां पर रानियां जो हैं दिन में भी तारे देख लिया करती थी। उसके अलावा इसके ही सामने आपको दिख जाएगा सुख निवास, जहां पे एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिससे कि गर्मियों में भी गर्मी ना लगे राजा को और उनकी फैमिली को। उसके अलावा यहां पर बहुत सारी और प्यारी प्यारी जगह है जहां पर आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर जाएं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लेकर जाएं, इतना तो समय आपको पक्का लगेगा। आमेर फोर्ट विजिट करने के बाद वहाँ से आप शहर की तरफ चले तो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद आपको दिख जाएगा जल महल जिसको राजा ने बनवाया था गर्मियाँ बिताने के लिए। और यहाँ पर एक जो लेक है ये मैन मेड लेक है, और इस जगह को ये इस महल को राजा जो है इसका उपयोग करते थे शिकार करने के लिए भी। जबकि आज की कंडीशन में आप इस जल महल में नहीं जा सकते, ये रेनोवेशन में है।
इसे देखने के बाद आप चले जाइए जो जो पुराना शहर है जिसको राजा जय सिंह ने 1727 में बनवाया था, उस जगह पे कई सारी चीजें देखने के लिए। तो सबसे पहली जगह जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगी सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जहाँ पे आज भी रॉयल फैमिली और राजा का परिवार रहता है, बट बाकी बहुत सारी जगह को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया म्यूजियम में, जहाँ पर आज म्यूजियम है, जहाँ पर उनके कपड़े देख सकते हैं, उनकी पेंटिंग्स देख सकते हैं, कौन कौन से राजा हुए हैं पूरी फैमिली की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके अलावा कौन कौन से हथियार यूज़ किया करते थे, ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी म्यूजियम में। यहाँ से बहुत ही पास में आपको दिख जाएगा जंतर मंतर। जंतर मंतर से समझ गए होंगे ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिसको राजा जय सिंह ने बनवाया था। राजा जय सिंह जिनको बहुत ही ज़्यादा रुचि थी एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में, तो उन्होंने इसको बनवाया था। इसको बनवाने से पहले जंतर मंतर तीन जगहों पे और बनवाए गए थे, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर सारी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा वेल मैनेज्ड है और सारी चीज़ें सही तरीके से फंक्शन भी करती हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको दिख जाएगा कि कौन सा नक्षत्र कहाँ पर है, पोल स्टार कहाँ पर रहता है, उसकी लोकेशन, आप यहाँ का जो लोकल टाइम है उसको भी पता कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी राशियों के बारे में पता कर सकते हैं। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, सूरज की किरणों के द्वारा चलने वाली घड़ी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। तो जब भी आप यहाँ पर जाएं तो ये थोड़ा साइंटिफिक चीज़ मिलेगी। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये 1727 के टाइम पे बनवाई गई थी, तब इमेजिन करिए राजा को कितनी ज़्यादा नॉलेज थी कि इतनी बढ़िया ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करवाया था। इसको विजिट करने के बाद आप जा सकते हैं हवा महल। हवा महल एक ऐसा पैलेस है जहाँ पर 300 से ज़्यादा खिड़कियाँ, और उन खिड़कियों को बनवाने की सबसे बड़ी वजह थी कि जैसा कि जानते हैं राजस्थान जो है वो डेजर्ट लैंड बोला जाता है, मतलब यहाँ जो है ये रेतीला स्थान है और यहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उस दौर में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो ये जो खिड़कियाँ हैं यहाँ से ये क्रॉस एयर वेंटिलेशन, मतलब जो हवा का आना जाना होता था, इसलिए जो है पैलेस ठंडा रहता था। और दूसरी चीज़ जो है अंदर से जो है महिलाएँ, जो राजरानी की महिलाएँ होती थी, वो आराम से बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या हलचल हो रही है, वो इन खिड़कियों से देख के पता लगा लेती थी। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। इसके सामने ही दो तीन कैफ़े हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ से बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफी, यदि आप फोटोग्राफी लवर हैं तो वहाँ से आप फ़ोटोज़ अपने ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं वहाँ पर जाके। उसके अलावा यदि आप जयपुर जाते हैं, और जयपुर जाने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता किसी का शॉपिंग करने का मन ना करे, तो आइए सबसे बड़ी बात आती है कि कहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। तो वैसे तो शॉपिंग के लिए बहुत ही हर जगह आपको शॉपिंग के दुकानें दिख जाएंगी। तो हवा महल के आसपास बहुत सारी दुकानें जहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ की आप लोकल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जिसको आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा वहीं पर पास में ही बापू बाज़ार है, बापू बाज़ार भी जा सकते हैं। तो ये जो जगह है आपके सुविनियर्स खरीदने के लिए, वहाँ की लोकल जो क्राफ्ट्स है उसको खरीदने के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लेस है हवा महल के आसपास। उसके अलावा यदि आपके पास और टाइम है तो उसके अलावा आप अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जा सकते हैं। यहाँ पर एक राजमाता मंदिर थिएटर करके है, वो सबसे बड़ा थिएटर है, बहुत ही फेमस प्लेस है। तो यदि आपके पास समय है तो आप इस थिएटर में जाना ना भूलें, यहाँ पर मूवी देखना ना भूलें। उसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित, जहाँ के लिए आपको टैक्सी करनी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए, वो है गलता जी का टेंपल, या फिर आप वॉक कर सकते हैं एक जगह से जाके, आपको हाइकिंग करनी पड़ेगी आपको गलता जी टेंपल, जिसको बंदरों का मंदिर बोला जाता है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको बंदर दिख जाएंगे, तो उनसे थोड़ा सावधान रहिए। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर नाइट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो आप कहाँ जा सकते हैं, तो उसके लिए एक सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे बढ़िया जगह है चौकी धानी। चौकी धानी एक जगह है जिसको बनाया गया है एक राजस्थान की थीम पे, मतलब राजस्थान का कल्चर दिखाया गया वहाँ पर। जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ कैसे लोग डांस करते हैं, म्यूज़िक, वहाँ पर लोगों का खाने का तरीका, क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो वहाँ पर एक आपको एंट्री चार्ज लगेगा करीबन 600 रुपये, और उसके बाद आप अंदर जाएंगे, आप इन सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं, और आप रात का डिनर आपका इसी में इंक्लूड रहता है। तो यदि आप इस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी जाना ना भूलें। बट ये शहर से थोड़ा दूर है, तो उसके लिए आपको टैक्सी
से जाना पड़ेगा। आई होप कि ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, एक लाइक दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।